हाय गाइस, आप लोग कैसे हो? आप लोग ठीक ही होंगे और मैं हूँ ममता विश्वकर्मा। मैं आज लाई हूँ आप लोग के लिए बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी, भाजी की रेसिपी। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है। तो चलिए, ज़्यादा ना बात करते हुए मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक बड़ा टमाटर ले लिया है, मैंने दो बड़े मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए, यहाँ पे अदरक, गीला नारियल और हरी मिर्ची, हरा धनिया और आधा नींबू ले लिया है। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे आज हरे मसाले बनाने वाली हूँ, बिल्कुल मसाला इस्तेमाल नहीं करने वाली हूँ। और यहाँ पे मैंने केले के पकोड़े बनाए थे। तो एक मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया मैंने किस तरीके से केले के पकोड़े बनाए हैं, तो मेरे बच्चों को बहुत पसंद आया तो मैंने वापस बनाए हैं। तो ये इतने पकोड़े बच चुके हैं तो मैंने सोचा इसकी क्यों ना भाजी बनाई जाए, तो मैं आपके साथ ये भी शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए, देख सकते हैं आपने मैंने कढ़ाई रख दिया है और मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज, और प्याज के साथ मैं कड़ी पत्ते भी ऐड करूँगी और इसे अच्छे से चला लेते हैं और इसको हल्का ब्राउन होने तक हम पका के ले लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मिक्सर के वाटी ले लिए हैं। तो यहाँ पे जो मेरे मसाले हैं वो मैं ऐड कर लेती हूँ सारी। तो मैंने आपसे पहले ही बताया है कि मैं गरम मसाले का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करने वाली। मैंने यहाँ पे लहसुन, मिर्ची, अदरक और हरा धनिया ले लिया और गीला नारियल मेरे पास था वो मैंने ले लिया। इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से पीस लेती हूँ। तो चलिए, और यहाँ पे मेरा प्याज भी अच्छे से भून रहा है, तो जब तक मेरा प्याज भूनता है तब तक हम अपने सारे मसाले बना लेते हैं। मेरा प्याज हल्का ब्राउन हो चुका है, मैं इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। तो मैंने यहाँ पे टमाटर भी ऐड कर लिए हैं और टमाटर को हम सॉफ्ट होने तक पका के लेंगे, वो भी ढक के पका के लेंगे हम। तो मैंने इसे मिक्स कर लिया है, अब मैं इसे ढकती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने जो चटनी पीसने के लिए लिया था वो सारी चीज़ें मसाले रेडी हो चुके हैं पीस के। तो यहाँ पे मैं एक चम्मच नींबू का रस ले रही हूँ और यहाँ पे मैं हल्दी पाउडर ले रही हूँ। इन सारे मसालों को मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया था मैं बिल्कुल मसाला नहीं इस्तेमाल करने वाली, हरे मसाले में ही मैं बनाने वाली हूँ। तो देख सकते हैं कितना अच्छे से पीस दिया है, मसाला हमारा रेडी हो चुका है। तो अब चलते हैं टमाटर की तरफ। तो टमाटर भी हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, तो हम इसे हम इसमें ऐड कर रहे हैं और इसी में ही हम अच्छे से मसाले को भून लेते हैं। जब तक भूनते हैं जब तक अच्छे से मसाला पक नहीं जाता है, तो इसे हम पाँच मिनट तक अच्छे से भून लेते हैं। अब देख सकते हैं हमारा मसाला बहुत अच्छे से भून चुका है और हमने मसाला बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ हरे मसाले में आज मैं बना रही हूँ। बिल्कुल, मतलब मैंने आज एक भी मसाला और तेल भी देख सकते बहुत कम डाला है। तो मैं इसमें ऐड करी थोड़ा सा पानी, क्योंकि हमें सूखा चाहिए, हमें ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए, हमें दाल के साथ खाना है तो एकदम सूखा चाहिए। तो मैंने इसमें पानी ऐड कर और मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने हिसाब से डालिए, पर इतना याद रखिए क्योंकि हमने जो पकोड़े बनाए हैं ना उसमें भी हमने नमक डाले हैं, तो उस हिसाब से हमें थोड़ा कम ही नमक डालना चाहिए। अब इसे उबाल आने के बाद हम इसमें अपने पकोड़े डालेंगे। तो अगर आपको पकोड़े की रेसिपी जाननी हो तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने केले के पकोड़े किस तरीके से बनाए हैं वो सारी चीज़ें मैंने इसमें उसमें शेयर की हूँ। तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए और आप उसी तरीके से पकोड़े बना लीजिए। अगर आपके ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर रखने से अच्छा है कि हम उसकी भाजी बना लें। तो मैंने वही किया है और मैंने आपके साथ शेयर भी किया है कि मैं कैसे बचे हुए पकोड़ों से बना सकती हूँ भाजी। तो मेरा थिंकिंग ये था कि मैं पकोड़ों से किस तरीके से बनाती हूँ भाजी, वो भी हरे मसालों में, और बहुत झटपट और बहुत फास्ट होने वाली रेसिपी है। तो चलिए, अभी हमारे देख सकते हैं हमारे बात करते करते इसमें उबाल भी थोड़ा आ चुका है, तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ पकोड़े और इसको अच्छे से पका लेते हैं जब तक इसका पानी थोड़ा कम नहीं हो जाता है। इसे हमें पूरी तरह नहीं जलाना है। चलें, मैं हम थोड़ा पकाने के बाद मिलते हैं।
आप देख सकते हैं कि भाजी बहुत अच्छे से हो चुका है। हमें इतना ही ग्रेवी रखना है क्योंकि पकोड़े भी थोड़ा सोखते हैं भाजी, ग्रेवी है जो अच्छे से सोख लेगा। तो अब हमारी भाजी थोड़ी ठंडी होने पे थोड़ा सूखा हो जाएगा, तो गैस को करते हैं बंद। तो आपको मेरी ये पकोड़े की भाजी, हरे मसाले में भाजी आपको कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको कुछ भी डाउट है कि मतलब मैंने क्या मिसिंग किया है या फिर क्या नहीं डाला है, तो वो भी मुझसे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो चलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखना, और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। ओके बाय।